इस सीजन में मेकर्स ने कोटा के कुछ काले चिट्ठे भी खोल कर रख दिए हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। और एज एन एक्स स्टूडेंट ऑफ कोटा आई कैन फील कि यह सीजन काफ़ी कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई है। बस तलाशने का काम मेकर्स ने आपको दिया है। कॉम्पिटिशन, सेक्सुअलिटी जैसी चीज़ों को भी ऐसे रखा गया है ताकि आप ऑकवर्ड ना फील करें और वो अपनी बात भी कह दें। TVF नाम से अगर आप लोग रूबरू होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये बवाल चीज है और इस पे आने वाले शोज भी उतने ही खतरनाक होते हैं। कोटा फैक्ट्री नाम की सीरीज आज रिलीज कर दी गई है। इस सीरीज से आप लोग जरूर पहले मिल चुके होंगे, तो आज उसी के सीजन 2 आ चुका है और प्रीवियस सीजन से ये 2 कदम आगे ही है। मतलब आपकी पूरी सिस्टम को ये हिला के रख देगा। कहानी जहाँ खत्म होती है सीजन 1 की, जब वैभव महेश्वरी क्लासेस ज्वाइन करता है, वहीं से सीजन 2 की स्टार्टिंग की गई है। इस सीजन में बेसिकली दिखाया गया है वैभव के स्ट्रगल्स जो फेस करता है आफ्टर ज्वाइनिंग महेश्वरी क्लासेस। इस सीजन में एक सीन है जहाँ महेश्वरी जी एक सेमिनार कर रहे होते हैं और एज बीइंग अ कोटा स्टूडेंट पूरा फ्लैशबैक आ गया। एक्चुअली में आपको आपके ज्वाइनिंग के पहले दिन एक सेमिनार अटेंड करना होता है जहां कुछ टीचर या डायरेक्ट आपको अपने मोटिवेशनल लाइंस से भरेंगे और बताएंगे क्यों उनका इंस्टीट्यूट सबसे बेहतर है। तो काफ़ी रियलिस्टिक लगा, काफ़ी कुछ बता देगी आपको ये सीरीज कोटा लाइफ के बारे में। इसमें महेश्वरी जी का एक डायलॉग भी है जिसमें वो कहते हैं कि आगे चल के आप SUV ड्राइव करेंगे या सेडान ड्राइव करेंगे या हैचबैक, ये सब इस एग्जाम से डिसाइड होगा। तो डायलॉग डिलीवरी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। पिछले सीजन की तरह ही आपको इसमें भी कॉमेडी कूट कूट के भरी हुई नजर आएगी और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के साथ साथ ये स्टूडेंट लाइफ की डार्कनेस को भी बहुत अच्छे से दिखाता है। पिछले सीजन में जैसे पूरा फोकस स्टूडेंट पे था, उससे कुछ अलग इस सीजन में फोकस टीचर्स पर भी है। इस सीजन में टीचर्स के स्ट्रगल को भी दिखाया जाता है। जो कॉम्पिटिशन बच्चे फेस कर रहे होते हैं उतनी कॉम्पिटिशन टीचर्स फेस कर रहे होते हैं, जिसे जीतू भैया के द्वारा दर्शाया गया है। और एज यूजुअल जीतू भैया ने आज तक कभी हम लोगों को नाराज किया है जो आज करेंगे। इनकी वन लाइनर मोटिवेशंस आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। सारे कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो कोटा फैक्ट्री की सीजन 2 को मैं 5 out of 5 देना चाहूँगा। डायलॉग डिलीवरी हो या स्टोरी लाइन हो, काफ़ी रियलिस्टिक रखा गया है इस चीज़ों को। तो ये थी कुछ बातें कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के बारे में। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ।